अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आजम खान के खिलाफ बीजेपी का एक्शन, बीजेपी नेता ने लिखा सीबीआई निदेशक को खत। बीजेपी नेता ने कहा घोटाले की जांच होकर रहेगी। सपा नेता बोले बीजेपी अपनी हरकतें सुधार ले। आजम खान से सियासी खुन्नस निकाल रही बीजेपी। रामपुर से सांसद और कद्दावर सपा नेता आजम खान को जब जब लगता है कि उनकी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, तभी उनके खिलाफ कोई न कोई नया विरोधी आकर खड़ा हो जाता है और आजम खान की परेशानियां खत्म होने की बजाय खाते में एक नई परेशानी जुड़ जाती है। एक बार फिर आजम खान के खिलाफ बीजेपी नेता ने मोर्चा खोल दिया है और खतों को लिखने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। आजम खान के खिलाफ जांच करवाने के लिए बीजेपी नेता ने सीबीआई निदेशक को खत लिखा है, जिसके बाद सपा नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा और सुधरने की नसीहतें डाली। वहीं बीजेपी नेता पर आरोप लगाते हुए सपा नेताओं ने कहा कि बीजेपी आजम खान से सियासी खुन्नस में बदला ले रही है, जो कि गलत है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने सीबीआई निदेशक को पत्र लिखा है। खत में आकाश सक्सेना ने मांग की है कि आजम खान के द्वारा किए गए घोटालों की सीबीआई जांच लगातार जारी रखी जाए। आकाश सक्सेना का कहना है कि इसके अलावा आजम खान के द्वारा किए गए वक्फ घोटाले की जांच भी सीबीआई करे। आकाश सक्सेना की माने तो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश में वक्फ घोटाले के मामले में जो रिपोर्ट दर्ज की है, उसमें रामपुर के वक्फ घोटाले को भी शामिल किया जाए। रामपुर सांसद के खिलाफ लिखे गए खत में बीजेपी नेता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा है कि शत्रु संपत्ति पर कब्जे को लेकर मिली शिकायत के क्रम में थाना अजीम नगर रामपुर में धारा 420, 467, 468, 471, 201 और 120 बी में 19 अगस्त 2019 आजम खान, तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वो खुद उसमें प्रमुख गवाह हैं। इसमें अभियुक्तों ने राज्य सरकार में लंबे समय तक सरकारी पदों पर रहकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना अच्छी तरह सीख लिया है, क्योंकि ये लगातार सरकारी पदों पर रहते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार करते आए हैं। इसीलिए इन अभियुक्तों के विरुद्ध गहराई से जांच करना जरूरी है। खत में आकाश सक्सेना ने लिखा कि शत्रु संपत्ति के अलावा भी ऐसी करोड़ों रुपए की शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जिनको पूर्व मंत्री आजम खान के द्वारा बोर्ड के साथ साठगांठ कर जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया गया है। ऐसे में इन सभी को सीबीआई की एफआईआर में शामिल किया जाए। अब आकाश सक्सेना के इस खत की खबर सामने आने के बाद से लगातार सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है और सपा नेता बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सियासी खुन्नस निकालने की बात कह रहे हैं। देखना ये है कि बीजेपी नेता का ये नया शगुफा क्या गुल खिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।